ये सिलेंडर जो गैस है वो कल खत्म हो चुका है, ठीक है, कल दोपहर को खत्म हो गया। दोस्तों देख ही सकते हो यार, कचौड़ी है, ठीक है, मेरे हाथ में है कचौड़ी और आज हम खा रहे हैं कचौड़ी। हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सबको। और देख ही सकते हो आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही कड़क धूप रहा है आज, पता नहीं कुछ देर बाद बारिश भी आ जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन बहुत फिलहाल के लिए मौसम इस वक्त अच्छा है। और मैं जस्ट मतलब कि मुंह धो के तैयार हो चुका हूँ ब्लॉग करने के लिए, ठीक है, तो चलिए मेरी बहन के पास चलते हैं कि देखते कि वो क्या करी है। ए, क्या करी? ब्रश कर, ब्रश कर, छे करो तो दोस्तों। वो आपको हाय कह रहा है और अब वो ब्रश करिए, इसीलिए वो कह नहीं पा रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो बाद में मिलेगी। दोस्तों देख सकते हो यह है आसमान आज, मैंने जैसे कि मैंने कहा कि आज बहुत ही ज़्यादा मौसम इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए देख सकते हो यह है आसमान और वहाँ पर है बहुत ज़्यादा क्लाउडी। तो आप लोग बताना कि आपको ये नीला नीला आसमान में ये वाइट वाइट क्लाउड्स कैसा लगा, कमेंट पे ज़रूर बताना। दोस्तों देख सकते हो ये है अल्ट्रा वाइड एंगल में मैं खींच रहा हूँ इस शॉट को, ठीक है, ये है अल्ट्रा वाइड एंगल, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है और नीला नीला क्लाउड, मतलब सॉरी मिस्टेक हो गई, ब्लू ब्लू स्काई एंड वाइट वाइट क्लाउडी कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना, ये अल्ट्रा वाइड एंगल शूट है, ठीक है, कमेंट पे बताना। मिलते हैं मतलब कि इस फुटेज को मैं यही खत्म। दोस्तों देखिए तो ये है गैस सिलेंडर और वो है ओवन, ठीक है, लेकिन ये जो देख रहे हो ना, ये सिलेंडर जो गैस है वो कल ख़त्म हो चुका है, ठीक है, कल दोपहर को ख़त्म हो गया और आज सुबह को देने आ रहे हैं, ठीक है, एचपी गैस है और वहाँ पर ओवन है, तो ठीक है, तो देखते हैं कि कब तक एलपीजी को देने आए। फिलहाल के लिए तो कल स्टोव से खाना पकाना पड़ा क्योंकि अचानक ही दोपहर में ख़त्म हो गया, ठीक है, तो दोस्तों बाद में मिलेगी। A few moments later. तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, ठीक है, और मतलब कि बाहर गया था और अभी जस्ट बाहर से आया हूँ और मतलब कि शर्ट वगैरह सब कुछ चेंज करके फ्रेश होके आ चुका, ठीक है, और देखिए तक तो मैं बाहर कुछ चीज़ें खरीदने गया था, ठीक है, तो मैंने क्या क्या खरीदा वो दिखाते हैं, चलो चले। देखिए तक तो दोस्तों मैंने क्या क्या खरीदा है, ये तो मैं नहीं खरीदा क्योंकि ये मेरा पर्स है, ठीक है, बस ऐसे ही रख दिया, पर्स है। और ये है मतलब कि रेट डाबर रेट पेस्ट है 200 ग्राम का, मुझे ये 100 मतलब कि 102 रुपये लगा, ठीक है, 102 रुपये लगा मुझे, मैं बता दिया, पिन मिल नहीं रहा। और ये सर्फ एक्सेल मैंने ख़रीदा और ये है नारी एक कोकोनट ऑयल शालीमार का, देखिए देखो शालीमार कोकोनट ऑयल, ठीक है, और मैंने ये 3 पैकेट मैंने बिस्किट लिया था जो कि बिस्किट का ब्रांड है यूनिबिक चॉको चिप कुकीज़ जो कि 10 रुपये में आता है। मैंने इसे ऐसे ही नहीं ख़रीदा, मैंने पूछा कि भाई ओरियो तो बहुत मैंने खा लिया, जो कैडबरी ओरियो बिस्कुट है मैंने बहुत खाया, कुछ ऐसा बिस्किट दो जो कि न्यू हो और एक्सीडिंग हो। उसने बोला कि ये ले जाओ अच्छा लगेगा, मैं पहले दिन लाया था खा के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं पहले तो 2 पैकेट लाया था और आज 3 पैकेट मैं लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये कुछ चीज़ें जो कि ख़रीदने गया था, और मैं दवाई की दुकान में भी गया था कुछ दवाई वगैरह ख़रीदने। तो दोस्तों देख सकते हो ये है दवाई की दुकान से मैंने ख़रीदा है, ठीक है, दवाई की दुकान से मैंने ख़रीदा है, क्या है ये, एक मतलब कि खांसी का सिरप है जो कि है एस्क्रिल प्लस, बड़ा वाला है और इसका प्रिंट क्या आता है देख सकते हो 182 रुपीज़। और ये है हाजमोला जो कि न्यू फ्लेवर है लाइम कोला, मुझे ये फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब भी हाजमोला ख़रीदता हूँ तो मैं पहले ये वाइट कलर का बोतल है या नहीं मैं वो
ढूंढ लेता हूँ मार्केट में, ठीक है। और ये देखो 45 रुपीस मुझे लगा, वाइट न्यू फ्लेवर है हाजमोला लाइम कोला। और ये है ऑट्रिविन ऑक्सी, शायद आप जानते ही होंगे, घर की इसकी घर में ज़रूरत है इसीलिए 2 पैकेट्स मैंने खरीदा है, ठीक है, 2 पैकेट्स मैंने खरीदा है। तो दोस्तों कमेंट में बताना कि आपको ये कैसा लगा। ओए क्या कर रही हो? क्या कचौड़ी? ये है कचौड़ी, क्या बोल। तो दोस्तों देख सकते हो ये है मेरा कचौड़ी और इसके साथ है घूगनी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज का टिफिन कचौड़ी खा रहे हैं, तो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। दोस्तों देख ही सकते हो यार कचौड़ी है, ठीक है, मेरे हाथ में है कचौड़ी और आज हम खा रहे हैं कचौड़ी। कमेंट पे तो ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अच्छा फिलहाल के लिए मैं पता दूँ खा लेते हैं फिर पता चले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों मैंने मतलब कि पिछली बार नानपुरी खरीदा था और आज दालपुरी खरीदा है, ठीक है, और इसमें ज़रा अंतर नहीं है, ठीक है। नानपुरी थोड़ा सा नरम होता है और ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बस यही अंतर है। और ये भी खाने में टेस्टी है और वो भी खाने में टेस्टी है। तो कमेंट में बताना कि आपको क्या पसंद है और ये खाना आपको कैसा लगा। 24 hours later तो दोस्तों टिफिन हो गया और टिफिन के बाद नहाना कम्प्लीटली हो गया, नहाना कम्प्लीटली हो चुका है, ठीक है। और अभी जस्ट मतलब कि दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर का खाना खाने वाले हैं, ठीक है, तो देखो दोपहर में क्या लंच मतलब कि है आज। तो दोस्तों देख सकते हो ये है दोपहर का खाना, यहाँ पर है बोरा, बंगाली में बोरा बोलते हैं, ठीक है, थानकुनी पत्ता का। और यहाँ पर है मछली का झोल, यहाँ पर मछली का माथा है, और यहाँ पर है राइस, और यहाँ पर और भी है, देख ही सकते हो यहाँ पर और भी है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, आप लोगों को अटेंशन दे दूँ, ये मैं नहीं खा सकता, ठीक है, ये मैं नहीं खा सकता, ठीक है। और ये है भिंडी मतलब कि ढेरस बंगाली में जो बोलते हैं उसका तड़का। फिलहाल के लिए मैं ये नहीं खाऊंगा, ठीक है, मेरे लिए बस इतना है। मैं इसको कवर करने वाला था लेकिन ये सामने है इसलिए मैंने कवर कर दिया। आप लोग गलत फहमी में मत पलना कि मैं ये सब खा जाऊंगा, ठीक है, ये सब मैं नहीं खा सकता। अच्छा A few moments later. दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे है डकलिंग 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 मिसेस डकलिंग, ये है डकलिंग, क्या बात है डकलिंग, देख सकते हो मिस्टर डकलिंग, इंटरव्यू देख सकते हो डकलिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना कि आपको ये डक्स कैसा लगा। फिलहाल ये डक्स अभी यहाँ पर है, देख सकते हो पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, देख सकते हो। तो दोस्तों आज का सारा कुछ ब्लॉग में आपको दिखा दिया, ठीक है। तो अगर इस ब्लॉग से आपको ज़रा सा भी मज़ा आया, आपको एंटरटेन हुआ या फिर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ऑल में ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन में उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों तब तक लिए बस इतना ही, बने रहना मेरे चैनल पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।